नमस्कार भाइयों, वेलकम आप सभी का। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो सेकंड ओडीआई मैच खेला जाएगा उसमें हमारी फैंटेसी की क्या टीम रहने वाली है, स्मॉल लीग की टीम में हम किस खिलाड़ी को लेकर चल सकते हैं और ग्रैंड लीग की टीम में हम किस खिलाड़ी को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में ग्रैंड लीग की टीम में काफी लो सेलेक्शन खिलाड़ी थे, जिसमें से साई सुदर्शन इंडिया की तरफ से लो सेलेक्शन थे और अर्शदीप सिंह और आवेश खान ने तो गजब की इनिंग्स खेली, चार चार पांच पांच विकेट्स निकाले। और उधर से साउथ अफ्रीका की तरफ से भी वियान मल्डर लो सेलेक्शन में ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी थे, जॉर्जी बैट्समैन में जिसका सेलेक्शन सिर्फ 2 से 5% था वो ग्रैंड लीग की टीम में था। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो लास्ट मैच में अर्शदीप सिंह और आवेश खान सीवीसी के ऑप्शन थे। आज के मैच में दोस्तों क्या ऐसा ही हो सकता है जिस तरह से लास्ट मैच में हुआ, क्योंकि दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और फैंटेसी भी अनिश्चितताओं का खेल है, क्योंकि लास्ट मैच में कोई और परफॉर्मेंस कर गया, आज के मैच में कोई और परफॉर्मेंस करेगा। जैसे कि थर्ड T20 मैच था ना, उसमें कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए थे, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ओडीआई मैच में कुलदीप यादव को कैप्टन वाइस कैप्टन बना दिया, जबकि लास्ट मैच में आवेश खान और अर्शदीप सिंह 4-5 विकेट ले गए। तो आज के मैच में क्या करने वाले हम, आवेश खान और अर्शदीप सिंह को कैप्टन वाइस कैप्टन बना देंगे जबकि आज के मैच में कोई और ज्यादा विकेट ले जाएगा या फिर आज के मैच में कोई और ज्यादा बैटिंग से पहुंच जाएगा। इसीलिए हमेशा उस खिलाड़ी के पीछे मत भागो जिसने लास्ट मैच में परफॉर्मेंस कर दिया, खासतौर पर कैप्टन वाइस कैप्टन के पीछे। देखो उस खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी ने लास्ट मैच में परफॉर्मेंस किया ना, उसको अपनी टीम में रखो, लेकिन सीवीसी मत बनाओ, सीवीसी की आज के मैच में कोई और अच्छी इनिंग्स खेलने वाला है। तो दोस्तों आज के मैच में कौन ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स होंगे, लास्ट के मैच में मैंने बताया था आपको काफी ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स आपको फर्स्ट ओडीआई मैच में दिखाई देंगे जिनको कोई नहीं लेने वाला है और उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया। आज के मैच में दोस्तों कौन ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स होगा, इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगा तो कितना स्कोर होगा, साउथ अफ्रीका अगर फर्स्ट बैटिंग करता है क्या लास्ट मैच की तरह साउथ अफ्रीका लो स्कोर मैच करेगा या इस मैच में साउथ अफ्रीका अच्छा खासा कमबैक करता हुआ दिखाई देगा। फैंटेसी की टीम में विकेट कीपर में 3 ऑप्शन है, तो किसको हम लेकर चलें, कितने विकेट कीपर लेकर चलें, बैट्समैन के फेवर में टीम बनाए, बॉलर्स के फेवर में टीम बनाए, ये बात हमको पिच रिपोर्ट से पता चल जाएगी। कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ ऑप्शन कौन है, वाइस कैप्टन का सेफ ऑप्शन कौन है, यूनिक ऑप्शन कौन है, क्योंकि यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन हमेशा ग्रैंड लीग विन कराते हैं, जिस तरह से लास्ट मैच में सरप्राइज कर दिया अर्शदीप सिंह और आवेश खान ने, तो उसी तरह से आज के मैच में भी कोई और ऐसा कैप्टन वाइस कैप्टन है जो सरप्राइज कर सकता है और जिसको कोई सीवी से नहीं बनाने वाला। तो दोस्तों सारी बातें वीडियो में करने वाले हैं और वीडियो में आप लोगों के लिए गिव अवे भी रहेगा बेस्ट कमेंट का, और जो आपसे आंसर पूछा जाएगा जिसका आंसर ठीक होगा उसको 10,000 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। बस आंसर आपका ठीक होना चाहिए, वीडियो आपको पूरी देखना है, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना और आंसर चाहे आप सबसे लास्ट में दें लेकिन आपका आंसर ठीक होगा तो आपको गिव अवे मिलने वाला है। तो दोस्तों सारी बातें वीडियो में करेंगे, अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो ना प्रेडिक्शन काफी अच्छा होता है, मोटिवेशन मिलता है और वैसे भी दोस्तों आप लोगों से के साथ खुद मैं अपनी टीम बनाता हूं तो काफी अच्छा लगता है, इसलिए लाइक जरूर करना, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज के मैच की, मैच खेला जाएगा जॉर्ज पार्क गबेरा में। गबेरा की पिच रिपोर्ट्स की बात करें दोस्तों अच्छी खासी पिच है, बॉलर्स को यहाँ पर पेसर्स को हमेशा ही फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, बाउंस है, स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग्स में थोड़ी पिच स्लो होने के कारण सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स को भी विकेट मिलती है, आफ्टरऑल बात करें यहाँ पर बैट्समैन भी ठीक ठाक स्कोर कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा बात करें ना पेसर्स इंपोर्टेंट रहने वाले आज के मैच में भी। तो इस पिच पर आप देख सकते हो दोस्तों अब तक 41 मैच खेले जा चुके हैं, फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 20 और सेकेंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 21 मैच विन किए हैं, फर्स्ट और सेकंड का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एवरेज स्कोर्स की बात करें 240 के आसपास यहां पर एवरेज स्कोर्स है, यानी कि बैटिंग के लिए ज्यादा अच्छी पिच नहीं है, हाई स्कोर्स 335 जा चुका है, लो स्कोर्स की बात करें तो 112 रन यहां पर लो स्कोर्स भी रह चुका है। अब दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न की बात करें ना तो आप देख सकते हो 200 से नीचे इस पिच पर 8 बार स्कोर्स बना है और 200 से 250 के बीच सबसे ज्यादा बार, सर्वाधिक जो स्कोर्स बनाना इस पिच पर वो 200 से 250 के बीच बनता है 17 बार, 250 से 300 के बीच भी अच्छा खासा स्कोर्स बना 12 बार और 300 से ऊपर सिर्फ 4 बार स्कोर्स बना अगर 41 मैचों की बात करें, जिससे हमें पता चलता है कि पिच पर ज्यादा बैटिंग करना आसान नहीं है। 41 मैचों में सिर्फ 4 मैचों में 4 बार स्कोर्स है, सबसे ज्यादा 200 से 250 के बीच 17 बार, 250 से 300 के बीच भी अच्छा खासा स्कोर्स है। तो आज के मैच में भी जिस तरह से लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका कम स्कोर्स पर आउट हुई तो आज के मैच में कुछ उस तरह का दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये पिच
बैटिंग के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। देखो बैटिंग करना ठीक है, 250 के आसपास तो स्कोर्स बन जाता है, लेकिन ज्यादा बैटिंग विकेट्स नहीं है। आप देख सकते हो इस पिच पर जो लास्ट ओडीआई मैच खेला गया था श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच, श्रीलंका 189 रन बना पाया था और 10 विकेट्स गिरे थे। साउथ अफ्रीका की बात करें 190 रन पर चेज कर लिया था, 4 विकेट्स गिरे थे, पेसर्स को 8 विकेट, स्पिनर्स को 5 विकेट्स मिले। साउथ अफ्रीका वर्सेज पाकिस्तान का मैच हुआ, 266 रन बने दोस्तों, और विकेट्स भी ज्यादा नहीं गिरी, फिर भी 266 रन बने इस पिच पर। पाकिस्तान 266 रन 5 विकेट्स पर, पेसर्स को 4, स्पिनर्स को 3। इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, इंडिया 274 रन बनाए, 7 विकेट गिरे, साउथ अफ्रीका 201 रन पर ऑल आउट हो गया था। पेसर्स को 8, स्पिनर्स को 6, यानी कि कहीं ना कहीं स्पिनर्स को भी इस ग्राउंड पर हेल्प है, लेकिन पेसर्स को थोड़ी ज्यादा। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका एक मैच हुआ, श्रीलंका 181 रन पर ऑल आउट हो गई थी और साउथ अफ्रीका 185 रन पर, पेसर्स को 6, स्पिनर्स को 5 विकेट मिले। यानी कि पिच की बात करें ना दोस्तों, ज्यादा हाई बैटिंग ग्राउंड तो ये है नहीं, आप लोगों ने देख लिया 266, 274, कमजोर टीम है तो 180 के आसपास भी ऑल आउट हो रही है। श्रीलंका 2 बार 180 से 190 के बीच में ऑल आउट हुई है। वहीं पर चेजिंग करना थोड़ा हालिया दिनों में ठीक रहा इस ग्राउंड पर। अगर लास्ट मैचों की बात करें तो 4 मैचों में चेजिंग हुई है, पेसर और स्पिनर्स को भी विकेट है, पेसर्स को 8, स्पिनर्स को 5, पेसर्स को 4, स्पिनर्स को 3, पेसर्स को 8, स्पिनर्स को 6, यानी कि दोनों को है। पेसर्स को थोड़ी ज्यादा है लेकिन स्पिनर्स को भी है, 26 विकेट्स पेसर्स को मिली है, स्पिनर्स को 19 विकेट्स मिली है। आज के मैच में दोस्तों क्या हो सकता है, अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करता है तो आज के मैच में साउथ अफ्रीका पूरी जी जान लगाकर बैटिंग करेगा, अच्छा खासा स्कोर्स आपको करता हुआ दिखाई देगा। पिच बैटिंग के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है, फिर भी आप मान सकते हो 250 के आसपास स्कोर्स होगा, 250 के आसपास स्कोर्स होगा। विकेट्स की बात करें तो लगभग 7 से 8 विकेट्स गिर सकते हैं साउथ अफ्रीका के। अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है और फर्स्ट मैच इंडिया विन करके आ रहा, थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, तो इंडिया 250 प्लस का स्कोर्स इंडिया भी इस ग्राउंड पर करने वाला है। और कोशिश रहेगी साउथ अफ्रीका जिस तरह से लास्ट मैच में कम स्कोर्स बना पाया, साउथ अफ्रीका की यही कोशिश रहेगी कि वो भी उसी तरह का बदला लें कि इंडिया को कम स्कोर्स पर रोके। फिर भी इंडिया अच्छी टीम है और अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, तो मान सकते हो कि इंडिया भी 250 के आसपास स्कोर्स कर सकता है और विकेट्स दोनों टीमों की अच्छी खासी गिरने वाली है। जिस तरह से लास्ट मैच हुआ है, मेरे हिसाब से उतना स्लो मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादा हाई स्कोर्स वेन्यू भी नहीं है, ज्यादा बड़ा स्कोर्स भी हमको देखने को यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें दोस्तों, दोनों टीमों के बीच काफी मैचेस खेले जा चुके हैं, 89 मैच खेले जा चुके हैं, 50 मैच विन किए साउथ अफ्रीका ने और इंडिया ने मैच विन किए 39। रीसेंट फॉर्म इंडिया के साथ है, एक ओडीआई मैच खेला गया है, वही इंडिया ने विन किया, तो इंडिया थोड़ी फेवरेट रहने वाली है। लेकिन साउथ अफ्रीका भी इस मैच में कम बैक करेगी, तो मैं सीधा सीधा साउथ अफ्रीका के फेवर में टीम बनाऊंगा। भले ही इंडिया इस मैच को विन करे, और अच्छा इंडिया विन करते तो काफी अच्छा लगेगा, फिर भी मैं 6 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के लेकर चलूंगा आज के मैच में और 5 खिलाड़ी मैं लेकर चलूंगा दोस्तों इंडिया के। ये मेरा खिलाड़ी सिलेक्शन रहने वाला दोनों टीमों से, मैं साउथ अफ्रीका के ही एक खिलाड़ी या दो खिलाड़ी ज्यादा लेकर चलने वाला हूं। अब दोस्तों इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन ओपनिंग कर रहे हैं, तिलक वर्मा वन डाउन बैटिंग, केला और संजू सैमसन। अब श्रेयस अय्यर की जगह पर आपको रिंकू सिंह खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर फर्स्ट ओडीआई मैच के लिए ही थे, अब वो टेस्ट मैच के में खेलेंगे तो उसके लिए ओडीआई में अब वो नहीं खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, तो उनकी जगह पर रिंकू सिंह आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो संजू सैमसन का जो बैटिंग ऑर्डर है ना, वो 5 नंबर पर हो गया है, रिंकू सिंह 7 नंबर पर, पटेल, कुलदीप यादव, आवेश खान, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह, ये इंडिया की प्लेइंग 11 है। अब दोस्तों यहां से बॉलिंग की बात करें तो इंडिया के ये 5 मेन बॉलर्स हैं जो आपको पूरे 10-10 ओवर बॉलिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। लास्ट मैच में अर्शदीप सिंह और आवेश खान ने ज्यादा ओवर डाले थे और टीम ऑल आउट हो गई थी, लेकिन हर मैच हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज के मैच में आपको कुलदीप यादव, अक्षर पटेल भी इंपोर्टेंट दिखाई देंगे। अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट मैच की तरह आवेश खान और अर्शदीप सिंह इस मैच में भी 5-5 विकेट निकालेंगे, तो ऐसा बहुत कम चांसेस होता है, ऐसा रेयर चांस होता है कि हर मैच में ऐसा काम हो। तो आज के मैच में ये 5 मेन बॉलर्स हैं, क्योंकि लास्ट मैच में अक्षर पटेल ने बॉलिंग नहीं की थी, तो आज के मैच में तो अक्षर पटेल 10 ओवर बॉलिंग करते हुए भी आपको दिखाई देने वाले हैं। ये इंडिया का बैटिंग ऑर्डर है दोस्तों। अब यहां से बात करें ना बॉलर्स में से, ऑलराउंडर्स में से,
मैं दो खिलाड़ी यहां से लेकर चलने वाला हूं, क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका के फेवर में अपनी टीम बनाने वाला हूं, और यहां से मैं तीन खिलाड़ी लेकर चलूंगा। दोस्तों ये पांच खिलाड़ी मैं इंडिया की तरफ से लेकर चलने वाला हूं। अब कौन से पांच खिलाड़ी है वो बात कर लेते हैं। गायकवाड़ की बात करें, लास्ट के तीन मैचों से फ्लॉप चल रहे हैं, उससे पहले ठीक परफॉर्मेंस है, और हेटवर्ड काफी खराब है इनका, 12 का एवरेज है, ओडीआई में भी रिकॉर्ड्स काफी खराब है। देखो रिसेंट फॉर्म खराब है, हेटवर्ड खराब है, और ओडीआई में भी उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है, T20 के लाजवाब प्लेयर्स है, तो मैं इसको अपनी टीम में ड्रॉप करूंगा। और सेलेक्शन काफी ज्यादा है, रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, सेलेक्शन ज्यादा है। अगर रिकॉर्ड्स के आधार पर सेलेक्शन कम होता फिर भी टीम में ट्राई कर सकते थे एज ए ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स, लेकिन रिकॉर्ड्स भी खराब है, सेलेक्शन भी ज्यादा, तो मैं फिलहाल ड्रॉप ही करके चलूंगा। मैं गायकवाड़ को अपनी टीम में नहीं लेकर चलने वाला। साई सुदर्शन दोस्तों ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स निकला लास्ट मैच में, और जैसे ही खेला मैंने इसको अपनी सारी टीमों में ले लिया। हमेशा रन बनाता है, बॉलिंग तो यहां पर नहीं करेगा, लेकिन लास्ट मैच में 55 रन जबरदस्त इनिंग खेल ली। इस मैच में भी 50 प्लस का स्कोर तो ये करेगा ही करेगा, काफी अच्छा बैट्समैन है। मैं ओपनर्स में से साई सुदर्शन के साथ जाऊंगा। सेलेक्शन 50% है, आज भी ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स रहेगा, अच्छी बैटिंग करता है और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, स्कोर्स करता ही करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रैंड लीग की टीम हो स्मॉल लीग की टीम हो, दोनों में इंपॉर्टेंट रहने वाला। फिर बात करते हैं दोस्तों तिलक वर्मा, लास्ट मैच में एक ही गेंद खेली, एक रन बनाया, नॉट आउट रहे, बैटिंग नहीं आई थी, तो ये भी ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हो सकते हैं, क्योंकि सेलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ग्रैंड लीग में अगर टीम बना रहे हो, अगर आप कम सेलेक्शन खिलाड़ी को अपनी टीम में नहीं ले रहे हो, लास्ट मैच में परफॉर्मेंस नहीं किया, जॉर्जी ने परफॉर्मेंस किया साउथ अफ्रीका की तरफ से, लो सेलेक्शन था, इंडिया की तरफ से साई सुदर्शन ने परफॉर्मेंस किया, टॉप ऑर्डर्स में तिलक वर्मा की भी बैटिंग ऑर्डर है, तो आप ट्राई करना चाहो तो ये भी जीएल में ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल के लिए मैंने इसको अपनी टीम में नहीं रखा, अब जो मैंने टीम बनाई उसमें मैंने नहीं रखा, लेकिन जीएल में ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हो सकता है अगर ठीक ठाक स्कोर्स कर गया। लेकिन ये भी याद रखना कि आपको बैट्समैन की जगह पर एक, अगर आप तिलक वर्मा को ट्राई कर रहे हो ना, तो आपको एक बैट्समैन को ड्रॉप करना होगा, तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि बैट्समैन भी ज्यादा नहीं लेकर चल सकते। किसी खिलाड़ी को लो सेलेक्शन को अपनी टीम में ट्राई कर रहे हैं तो हाई सेलेक्शन को ही ड्रॉप किया जाए, तो ये जीएल में ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हो सकता है। हालांकि ओडीआई में दो ही मैच खेले हैं, फ्लॉप रहे हैं, और लास्ट मैच में भी फ्लॉप रहे हैं, फिर भी सेलेक्शन काफी कम है, तीन नंबर पर बैटिंग ऑर्डर है, चाहो तो आप ट्राई कर लीजिएगा। फिलहाल मैं ड्रॉप ही कर रहा हूं, क्योंकि रिकॉर्ड्स भी उतने अच्छे नहीं है और रिसेंट फॉर्म भी खराब है। लोकेश राहुल दोस्तों लास्ट मैच में तो बैटिंग नहीं आई थी, इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में भी, क्यों, क्योंकि बैलेंस विकेट्स होती है, तो ये 20 से 30, लास्ट मैच में भी 20 पॉइंट्स तो इन्होंने विकेट कीपिंग से दे दिए थे, प्लस बैटिंग नहीं आई थी। इस मैच में बैटिंग भी आ सकती है और विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं, तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंट रहेंगे। चार नंबर पर बैटिंग ऑर्डर है, 20-30 पॉइंट्स तो ये विकेट कीपिंग से दे देंगे, प्लस 30-40 रन बना गए या ज्यादा बैटिंग भी कर गए, तो अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टन के ऑप्शन है, टीम में तो इनको लेकर चलना ही चलना। पांच नंबर पर दोस्तों संजू सैमसन, लास्ट मैच में बैटिंग नहीं आई, अब इनका बैटिंग ऑर्डर पांच नंबर पर आ गया, लास्ट मैच में 6 नंबर पर था, क्योंकि श्रेयस अय्यर ऊपर बैटिंग करते थे, रिंकू सिंह नीचे बैटिंग करते हैं, तो इन दोनों में से एक खिलाड़ी को मिडल ऑर्डर्स में से सरप्राइज करेगा ही करेगा, तो सैमसन को मैं एज ए टीम में रख रहा हूं, स्मॉल लीग की टीम में भी और ग्रैंड लीग की टीम में भी। यानी कि अगर मैं स्मॉल लीग की टीम में भी रख रहा हूं ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है, मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है कि आज के मैच में संजू सैमसन ग्रैंड लीग की टीम में और स्मॉल लीग की टीम में होने वाला। अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तब तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं कोशिश करूंगा इसको आज सेकंड बैटिंग में भी ट्राई करूं। पांच नंबर पर बैटिंग ऑर्डर रहा है, 30-40 रन बना सकता है, 40 रन भी बना गया ना, रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी अच्छा, ओडीआई में भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर पांच नंबर पर है तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सेलेक्शन काफी कम है, इसलिए मैं संजू सैमसन को अपनी स्मॉल लीग टीम प्लस ग्रैंड लीग टीम दोनों में ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरा मानना 40 प्लस का तो स्कोर आज संजू सैमसन करने ही वाला है हर स्थिति में, हर हालत में, तो ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स मेरा रहेगा ही रहेगा। रिंकू सिंह को मैं ड्रॉप करके चलूंगा। अक्षर पटेल दोस्तों लास्ट मैच में तो बैटिंग नहीं आई थी और बॉलिंग भी नहीं आई थी, तो अच्छे पिक रहेंगे, उससे पहले रिसेंट फॉर्म काफी अच्छी है, 10 ओवर पूरे बॉलिंग करेंगे और प्लस विकेट टेकिंग बॉलर से, लास्ट मैच में थोड़ा पेसर्स को ज्यादा विकेट थी, साउथ अफ्रीका पेसर्स में आ गया था, जिसकी वजह से अर्शदीप सिंह और आवेश ने ही ज्यादा विकेट निकाले थे, लेकिन हर मैच एक जैसा नहीं होता, तो आज के मैच में अक्षर पटेल भी दो विकेट ले सकते हैं, प्लस बैटिंग से बैकअप देने वाले ही हैं आज के मैच में,
तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। विश से आप इनको बनाना चाहो तो बना सकते हो जी एलिमेंट। कुलदीप यादव दोस्तों डिसेंट पिक है, मतलब फिलहाल मैं कुलदीप यादव को अपनी टीम में नहीं ले पाया क्योंकि मैं एक पेसर्स के साथ जा रहा हूं। अक्षर पटेल को रख लिया, देखो मैं एक एक खिलाड़ी को यहां से अपनी टीम में रख सकता था, या तो अक्षर पटेल को या कुलदीप यादव को, तो मैं अक्षर पटेल के साथ गया हूं। कम सिलेक्शन भी अक्षर पटेल का, कुलदीप यादव भी अच्छे पिक हो सकते हैं, आप चाहो तो कुलदीप यादव के साथ जा सकते हो। दोनों 10-10 ओवर बॉलिंग करेंगे, थोड़ी बैटिंग अक्षर पटेल अच्छी कर लेते हैं और सिलेक्शन यूनिक मेरे हिसाब से अक्षर पटेल हो सकते हैं, तो इन दोनों में से मैं अक्षर पटेल के साथ जा रहा हूं। फिर बात करते हैं दोस्तों आवेश खान और अर्शदीप सिंह। अब हर मैच में आपको ये 5-5, 4-4 विकेट नहीं दिखाई देंगे, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप दोनों को चाहो तो दोनों को रख सकते हो, लेकिन मैं इन दोनों में से एक को रखूंगा। मैं इंडिया की तरफ से ज्यादा बॉलर्स नहीं लेकर चलूंगा, मेरे हिसाब से आज के मैच में साउथ अफ्रीका के बॉलर्स डोमिनेट कर सकते हैं, फिर भी मैं अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में लेकर चलूंगा। और इसने लास्ट मैच में 5 विकेट ली, और मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अर्शदीप सिंह कभी भी सरप्राइज आपको कर सकता है, कभी भी 3 से 4 विकेट ले सकता है, मैंने ऐसा बोला था। ये 5 विकेट ले गया, मैंने आपको बताया था कि कैप्टन वाइस कैप्टन इसको कर सकते हो। हालांकि मैं इसको ना तो सीवीसी करके आया था ना ही मैं अपनी टीम में लेकर आया था, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में था कि ये सरप्राइज कर सकता हो और इसने किया। तो आज के मैच में मैं लेकर चलूंगा, क्योंकि रिसेंट फॉर्म जब किसी बंदे की आती है ना 5 विकेट निकालता है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होता ही है। तो आप चाहो तो दोनों को भी ले सकते हो, दोनों को लेना चाहो तो पेसर्स को हेल्प है, लेकिन वो यूनिक टीम नहीं बनेगी। हो सकता है आज के मैच में भी 1 विकेट या 2 विकेट निकाल ले, लेकिन बंडल वाला फैक्टर शायद आज के मैच में आपको ना देखने को मिले। फिर बात करते हैं दोस्तों मुकेश कुमार, ज्यादा विकेट नहीं मिला तो फिलहाल मैं ड्रॉप ही करूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की। हेनरिक्स जॉर्जी ओपनिंग कर रहे हैं, राशि वंडर डसन मार्क्रम क्लासियन मिलर मल्डर फुलक्वायो केशव महाराज बर्गर तबरेज शामसी, ये इनकी प्लेइंग 11 है। अब यहां से बात करें तो लास्ट मैच में तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, ना ही बॉलिंग से ना ही बैटिंग से। तो यहां से बॉलिंग ऑप्शन आपको पता ही है, ये 5 इनके मेन बॉलर्स है। छठे बॉलिंग ऑप्शन में मार्करम है, मार्करम किसकी जगह पर बॉलिंग करेंगे, बर्गर के ओवर कटेंगे और आपको कुछ ओवर मल्डर के कटते हुए दिखाई देंगे, जो कि 5 ओवर के आसपास एडम मार्करम कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के पास लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ज्यादा है। तिलक वर्मा हो गए, रिंकू सिंह हो गए, अक्षर पटेल हो गए और साई सुदर्शन भी हो गए, 4 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हो गए, तो ये ज्यादा ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं। अब यहां से किस खिलाड़ी को हम लेकर चल सकते हैं, रेजा हेनरिक्स रिसेंट फॉर्म खराब है, लास्ट मैच में भी मैंने ड्रॉप किया, लास्ट मैच में मैंने जो रिस्क लिया था ना वो लगभग कामयाब हुआ, सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलर्स में से निकल गए, क्योंकि मैंने हेनरिक्स की जगह पर जॉर्जी को ट्राई किया था और इंडिया की तरफ से गायकवाड़ की जगह पर साई सुदर्शन को ट्राई किया था। उसी तरह से आज के मैच में भी जॉर्जी का लो सिलेक्शन है और लास्ट मैच में 28 रन ग्रैंड लीग की टीम में थे, ओपनर्स में से मैं एक को लेकर चलूंगा, मैं जॉर्जी के साथ जा रहा हूं। मैं हेनरिक्स को ड्रॉप करूंगा, लास्ट मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, रिकॉर्ड्स भी ज्यादा अच्छे नहीं है, तो इसलिए मैं जॉर्जी के साथ जाऊंगा। आप चाहो तो हेनरिक्स के साथ भी जा सकते हो। राशि वैंडर डसन लास्ट मैच में पहले गेंद पर आउट हो गए, लेकिन इस मैच में ये बड़ा स्कोर कर सकते हैं, ये बीसी के ऑप्शन हो सकते हैं इस मैच में, लगभग शतकीय पारी खेल सकते हैं अगर बैटिंग के अनुकूल पिच होती है। इंपोर्टेंट रहेंगे राशि वैंडर डसन, क्योंकि टीम में तो उनको लेकर चलेंगे लेकिन सीवीसी शायद ना बनाकर चले जाएगा तो लोग, इसलिए ये बीसी के ऑप्शन रहेंगे। मार्करम एज ए फिक्स प्लेयर्स रहेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे और कैप्टन के अच्छे कंटेंट रहेंगे, लास्ट मैच में तो बॉलिंग आई नहीं ज्यादा और बैटिंग से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन आज के मैच में मार्करम अच्छे सीवीसी के ऑप्शन रहने वाले हैं। क्लासियन दोस्तों हैं तो अच्छे पिक, लेकिन लास्ट के 3 मैचों से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो फिलहाल मैं क्लासियन को ड्रॉप कर रहा हूं, क्योंकि पिच पर ज्यादा स्कोर नहीं बन रहा और मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर से लेकर जाना चाहूंगा या एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर लेकर जाना चाहूंगा। मैं क्लासियन की जगह पर फुलक्वायो को लूंगा, जो बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं और बॉलिंग से भी। मिलर को भी फिलहाल मैं ड्रॉप करूंगा, मल्डर इंपोर्टेंट रहेगी, ये ऐसा खिलाड़ी है जो बीसी का यूनिक ऑप्शन है, लास्ट मैच में इसने 1 विकेट लिया और इस मैच में अगर ये ज्यादा ओवर बॉलिंग करता तो ठीक ठाक स्कोर होता है, तो जिस तरह से लास्ट मैच में ना अर्शदीप सिंह आवेश खान ने बंडल में विकेट लिए, ये 3 से 4 विकेट ले सकता है साउथ अफ्रीका की तरफ से, ये बीसी का एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, कोई इसको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाएगा, जेल में आप इसको जरूर बीसी बनाइएगा, टीम में कंफर्म लेकर चलिएगा। फुलक्वायो को मैं लेकर चलूंगा, मैंने क्लासियन को ड्रॉप किया तो मैं यहां से, क्योंकि फुलक्वायो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स देकर चलने वाला। फिर बात करते हैं दोस्तों बॉलर्स में, मैं केशव महाराज को ड्रॉप करूंगा,
बर्गर को भी ड्रॉप करूंगा, एज ए ट्रम्प कार्ड प्लेयर समय तबरेज शम्सी को अपनी टीम में लूंगा, एक बॉलर समय साउथ अफ्रीका का ज्यादा लेकर चलने वाला हूं। अब दोस्तों बात करते हैं, ये मेरी फाइनल टीम है। विकेट कीपर में मैंने राहुल को और संजू सैमसन को एज ए ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स मैंने रख लिया। मेरे हिसाब से आज के मैच में 40 प्लस का स्कोर करने वाला है। फिर दोस्तों बात करते हैं आरवेंडर डसन, जोर्जी और साई सुदर्शन दोनों ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स को फिर से मैंने अपनी टीम में रखा हुआ है। मार्करम, अक्षर पटेल, फुलक्वायो और मल्डर इस मैच में बंडल में विकेट ले सकता है। फिर दोस्तों शम्सी और मैंने अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में रखा हुआ है। अब दोस्तों कैप्टन मार्करम ठीक पिक करेगा इस मैच में, इंडिया की तरफ से चार लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है तो अच्छी खासी बोलिंग करेगा और बैटिंग से भी पॉइंट दे सकता है, तो सीवीसी का तो अच्छा ऑप्शन है। अब विसी किसको बनाया जाए दोस्तों, विसी का जो ऑप्शन हो सकता है ना, अक्षर पटेल हो सकते हैं, वियान मल्डर हो सकते हैं और बॉलर्स में अर्शदीप सिंह हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में बॉलर्स में ही सीवीसी निकला था और जिस तरह की पिच है, जिस तरह से फर्स्ट ओडीआई मैच का चांसेस होंगे कि सेकंड ओडीआई मैच में भी कुछ उसी तरह का आपको देखने को मिले, तो इसलिए ये तीनों, इसलिए वीसी का ऑप्शन है। ये तीनों बॉलिंग और बैटिंग से पॉइंट दे सकते हैं। अर्शदीप सिंह तो बॉलिंग से ही है, मल्डर और अक्षर पटेल बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं। अब मेरे को दोस्तों संजू सैमसन को मैंने रखा हुआ है एज ए ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स। अगर आप संजू सैमसन पर रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप सैमसन की जगह पर एक एक्स्ट्रा बॉलर्स रख सकते हो, जो कि हो सकता है आवेश खान को चाहो तो आवेश खान को रख सकते हो, बर्गर को रख सकते हो। तो आप संजू सैमसन की ही जगह पर अगर रिस्क नहीं लेना है तो आप आवेश खान को रख सकते हो, क्योंकि आवेश खान बंडल में विकेट्स ले सकता है, लास्ट मैच में लिया। तो फिलहाल मैं सैमसन के साथ गया हूं क्योंकि इसका सिलेक्शन काफी कम है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बातें कर ली दोस्तों, अब कुछ चेंजेस होता है या फाइनल पिच रिपोर्ट्स के बाद जो भी कुछ पता चलता है वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। आज के मैच का गिववे का क्वेश्चन रहेगा, संजू सैमसन कितने रन बनाएगा, जो मेरा ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स है। मेरे हिसाब से दोस्तों 50 रन बनाने चाहिए, 50 रन। तो आपको कितना लगता है कि संजू सैमसन कितना रन बनाएगा और कितने इसके फैंटेसी पॉइंट्स होंगे, जिसका आंसर ठीक होगा उसको गिववे मिलेगा। अब दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, खुद से एक अच्छी टीम बना लेना, फाइनल टीम टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तो दोस्तों नमस्कार।